हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच शंखम दद्म प्रतापवान। तो अब संजय बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि तस्य संजनयन हर्षम, उसको हर्ष उत्पन्न करने के लिए, किसको? दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करने के लिए कुरु वृद्धा पितामह, जो कुरुकुल के वृद्ध हैं और पितामह हैं, कौन है? भीष्म देव। तो दुर्योधन को हर्षित करने के लिए, दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुकुल के जो वृद्ध हैं, पितामह हैं, सिंहनादम विनद्य, तो सिंहनाद करके, सिंह के समान धार करके उच्च शंकम दत्मो प्रतापवान, तो उन्होंने फिर ऊंचे स्वर में शंख को बजाया। तो शंख की ऊंची ध्वनि की प्रतापवान, बहुत प्रतापी हैं। तो भीष्मदेव बड़े प्रतापी हैं और दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए उन्होंने जो है शंख बजाया। तो इसके पहले 11वें श्लोक तक तो दुर्योधन ही बोल रहा था, और 11वें श्लोक में यद्यपि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, लेकिन फिर उसने द्रोणाचार्य से ना बात करके सभी योद्धाओं से बात की, सभी योद्धाओं से बात की कि आप सब लोग अपने अपने स्थान में रह करके भीष्म की ही रक्षा करिए, आप सब लोग भीष्म की ही रक्षा करिए। तो दुर्योधन का ये भाव था कि सब लोग भीष्म की रक्षा करें और भीष्म जो है पांडवों की सेना का विनाश करेंगे। तो अब यहाँ संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि दुर्योधन अगर इतना आशा कर रहा है भीष्म देव से, तो भीष्म देव उसकी आशा को ना तोड़ने के लिए, कि उसकी आशा ना टूटे, उसकी आशा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सिंहनाद किया। तो सिंहनाद का मतलब है सिंह की तरह दहाड़े, गर्जे और फिर शंख बजाया, है ना? सिंहनादम विनद्योच शंखम दद्मो प्रतापवान। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह, कुरुवृद्ध, कुरुवंश के जो वृद्ध हैं, तो पितामह भीष्म में बहुत वृद्ध हैं, और ये जो है केवल वयोवृद्ध नहीं है बल्कि ज्ञान वृद्ध भी हैं। दो प्रकार के वृद्ध होते हैं। वृद्ध का मतलब है जो बढ़ा हुआ है, है ना? तो सामान्यतः वृद्ध का अर्थ होता है जो वृद्धावस्था, जो शरीर जब क्षीण होता है तो उसको कहते हैं वृद्धावस्था, है ना? लेकिन वृद्ध का अर्थ जरूरी नहीं है कि जिसका शरीर क्षीण हो तो वही वृद्ध हो, जैसे कि अग्नि है, तो जब ईंधन उसको मिलता है तो अग्नि जो है क्या होती है, बढ़ जाती है, है ना? तो उस अग्नि को भी हम कहते हैं कि ईंधन के द्वारा अग्नि क्या हो गई, वृद्ध हो गई। तो वृद्धि, वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी, अगर हम कहते हैं कि धन में वृद्धि हो तो इसका मतलब क्या है, धन में बढ़ोतरी हो और ज़्यादा बढ़े, है ना? तो वृद्ध का अर्थ आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो उसी को ही वृद्ध कहा जाए। वृद्ध का मतलब जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ओल्ड, तो आप कितने वृद्ध हैं, कितने आयु के हैं, तो कोई 2 साल का है तो उसको कहते हैं कि 2 ईयर्स ओल्ड, कोई 4 साल का है 4 ईयर ओल्ड। तो ओल्ड का भी मतलब वो नहीं है कि मृत्यु के निकट हो, बल्कि
बढ़ा हुआ है ना, तो हाँ, जैसे भगवान भी गीता में कहते कालोस्मिन लोकक्षय कित प्रवृद्धो प्रकृष्ट रूपेण वृद्ध है, तो भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ जो प्रकृष्ट रूपेण वृद्ध हूँ, तो वृद्ध का मतलब बढ़ा हुआ, तो बहुत अधिक बढ़ा हुआ हाँ, तो प्रवृद्ध भी इसको कहा जाता है कि प्रकृष्ट रूप से बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर कुरु वृद्धा का मतलब है दोनों प्रकार के अर्थ हैं, वृद्ध का मतलब वो जो है कुरु के वृद्ध हो चुके हैं भीष्म पितामह भीष्म हैं, उनकी अब जवानी से वो जो है आगे पार कर चुके हैं, तो जवानी तक शरीर क्या होता है कि बड़ा होता जाता है बड़ा होता जाता है, और उसके बाद फिर एक बिंदु आता है कि शरीर फिर बड़ा नहीं होता है, शरीर स्थिर रहता है, है और उसके बाद फिर शरीर फिर घटने लगता है, तो उसको वृद्धावस्था कहते हैं कि शरीर छीण होने लगता है। तो इस प्रकार से भी भीष्म देव जो है उनके शरीर की जो है अब अवस्था कैसी हो गई है, अब मतलब छीण हो रहा है उनका शरीर, इसलिए कुरु वृद्ध हैं। लेकिन दूसरी बात है कि भीष्म देव का जो ज्ञान है वो छीण नहीं हुआ है, उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है और बढ़ा हुआ है, और 12 महाभागवतों में से एक हैं। तो जितने भी प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्न हो तो सभी के उत्तर देने वाले भीष्म जी हैं, पितामह भीष्म हैं, और वे सब प्रकार के संशयों को दूर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण के महाभागवत महान भक्त हैं। तो कुरु वृद्धा पितामह पिता के पिता, तो भीष्म देव के तो कोई संतान नहीं हुई, भीष्म देव ने तो विवाह नहीं किया, तो पितामह कैसे, पितामह इस प्रकार से कि उनके जो भाई लगते थे उनके भाई विचित्रवीर जो लगते थे, तो विचित्रवीर के पुत्र धृतराष्ट्र हैं, विचित्रवीर के भाई भीष्मदेव हैं, तो ये जो है धृतराष्ट्र के पिता के समान है। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं या पांडु के पुत्र हैं तो उनके ये भीष्मदेव पितामह लगते हैं। तो यहाँ संजय कहते हैं तस्य संजनयन हर्षम, कि दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए, भीष्मदेव जानते हैं अधर्म का नाश करने के लिए ही श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, और श्री कृष्ण स्वयं अगर पांडवों के पक्ष में हैं तो इनके पक्ष की विजय हो ही नहीं सकती, अधर्म जीत सकता ही नहीं। लेकिन दुर्योधन को बड़ी आशा है भीष्मदेव से, तो भीष्मदेव अपनी ओर से ये बताना चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर दुर्योधन को अगर विजय ना मिले तो भीष्मदेव का ये संकेत है कि मुझे दोष नहीं देना। भीष्मदेव जानते हैं अर्जुन की शक्ति क्या है, भीष्मदेव जानते हैं कि अर्जुन नर ऋषि के अवतार हैं और श्री कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार हैं, तो नर और नारायण ऋषि इस पृथ्वी पर जो है पाप का भार उतारने के लिए आए हैं, तो ये दुर्योधन जैसे जो असुर हैं और उनके पक्ष के जितने राजा लोग हैं ये सब मारे जाएंगे और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी, तो भीष्मदेव अच्छी प्रकार जानते हैं क्योंकि वे ज्ञान वृद्ध भी हैं, उनका ज्ञान जो है बहुत बढ़ा हुआ है, हैं और कुरु वृद्ध हैं है? तो सबके सम्मानित हैं, कुरु वंश में सब सभी लोगों के सम्मानित हैं, पितामह हैं तस्य संजन्य हर्षम। तो यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं कि दुर्योधन के प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना संघ बजाया जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था, तो वो शेर ही जैसे, उनका चरित्र पराक्रम शेर के जैसा है कि जिस समय ये युवक थे तो उन्हें तो विवाह नहीं करना था क्योंकि अपने पिता के लिए वे वचन दे चुके थे कि वे विवाह नहीं करेंगे, और सत्यवती का विवाह उनके पिता शांतनु के साथ हो जाए, तो अपने पिता का सत्यवती के साथ विवाह करने के लिए उन्होंने ये वचन दिया था कि वे स्वयं विवाह नहीं करेंगे।
और सत्यवती से जो पुत्र होंगे तो उनको ही राज्य सिंहासन दिलाएंगे। तो लेकिन जब सत्यवती के पुत्र हुए विचित्रवीर्य और चित्रांगद, तो चित्रांगद की तो मृत्यु हो चुकी थी, विचित्रवीर्य के लिए वे जो है कन्याओं का हरण करने के लिए गए, तो काशी में गए। तो काशी राज की तीन कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तो तीनों का स्वयंवर था। तो तीनों कन्याएं अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने पति को चुनेंगी, जिस प्रकार से स्वयंवर हुआ था। लेकिन भीष्म देव ने तीनों कन्याओं का अपने भाई के लिए अपहरण कर लिया कि मैं अपने भाई के साथ इन तीनों का विवाह करूंगा। और स्वयंवर में आए हुए जितने भी राजा थे सबको अकेले ही हरा दिया। भीष्म देव कितनी शक्ति थी कि उनके पास कोई सेना भी नहीं थी, अकेले उन्होंने सब राजाओं को हरा दिया और तीनों कन्याओं को जो है ले आए। तो बाद में जो अम्बा थी तो उसने भीष्म देव से आज्ञा मांगी, उसने कहा कि मेरा प्रेम शल्य से है, तो मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो भीष्म देव ने उसको जो है अनुमति दे दी। तो अम्बा जो है अकेली हस्तिनापुर से चल करके कहाँ गई, मद्रास, मद्र देश के राजा शल्य के पास गई। हाँ, और उसने अपनी पूरी बात बताई कि भीष्म देव ने मेरा अपहरण कर लिया था और मैं उनकी आज्ञा लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन शल्य ने कहा कि चूँकि आपका अपहरण भीष्मदेव ने कर लिया, तो कोई अगर अपने पराक्रम से किसी स्त्री को अगर प्राप्त कर लेता है तो हम फिर उसका भाग नहीं ले सकते, इसलिए अब आपकी जहाँ इच्छा हो आप जाइए, क्योंकि मैं विवाह नहीं करूँगा। तो अम्बा जो है फिर लौट करके आई हस्तिनापुर में और भीष्मदेव से कहा कि मैं आपसे अनुमति लेकर के गई थी, लेकिन शल्य ऐसा बोले, अब आप जो है मुझे अपने महल में शरण दीजिए। तो भीष्मदेव ने कहा कि मैं अपने परिवार में ऐसी स्त्री को नहीं रखना चाहता जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वच्छंद चलती है, तो तुम अकेले ही गई, अकेली वापस आई, तो अब मैं तो तुम्हें नहीं रख सकता। तो फिर अम्बा जो है बड़ी निराश हुई और भीष्म को ही उसने अपने जीवन को बर्बाद होने का कारण माना। तभी भीष्मदेव में जो है कोई ऐसा दोष नहीं था, भीष्मदेव की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसने मूर्खता के कारण भीष्मदेव को ही अपने जीवन की बर्बादी का कारण माना और फिर वो तपस्या करने लगी कि भीष्मदेव की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। और भीष्मदेव जानते थे कि वही अम्बा जो है शरीर छोड़ करके राजा द्रुपद की पुत्री शिखंडी के रूप में वो है, यद्यपि शिखंडी अभी पुरुष रूप में है, लेकिन भीष्मदेव जानते हैं कि वो पिछले जन्म की स्त्री है और उनकी भावना यही है कि ये स्त्री है, तो उसके ऊपर वे प्रहार नहीं करेंगे। तो भीष्मदेव ने अपनी ये बात दुर्योधन को पहले से बता दी थी कि शिखंडी के ऊपर वे प्रहार नहीं करेंगे। तो ये जो है इनकी जो है विशेष स्थिति है, भीष्मदेव की ऐसी स्थिति है, उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है। तो अगर वो कोई कार्य करने का निश्चय कर लेते हैं कि ये करना है या ये नहीं करना है, तो फिर उसी प्रकार से फिर वो चलेंगे भीष्मदेव कि उन्होंने कहा करने के लिए तो वो करेंगे, और जो कहा उन्होंने नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। तो इस तरह से भीष्मदेव की जो प्रतिज्ञा है वो बड़ी निश्चित होती है, इसलिए कभी अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है तो कहता है मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि भीष्म जी अगर कोई प्रतिज्ञा कर लें तो फिर जो है वो उससे कभी टलते नहीं। तो इस तरह से भीष्म प्रतिज्ञा एक शब्द भी बन गया है कि कोई भी प्रतिज्ञा अगर ऐसी हो कि बिल्कुल पक्की है, मतलब आपने जो है किसी निश्चय से कर ली, तो
तो भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि उन्होंने संघ बजाया और सिंह के समान स्थिति तो शेर की तरह है, जो दूसरे राजा लोग हैं भीष्म देव के सामने सब जो है वो वैसे हैं जैसे मेमने होते हैं, हैं? तो शेर के सामने मेमना का क्या बल चल सकता है। तो इसी प्रकार से भीष्म देव बहुत शक्तिशाली हैं, यद्यपि बूढ़े हो चुके हैं परंतु क्या कहा गया प्रतापवान, उनकी जो शक्ति है वो घटी नहीं। तो बुढ़ापे में भी अगर किसी व्यक्ति की शक्ति ना घटे तो फिर जो है कोई विशेष बात होती है। तो भीष्म देव का जो है यद्यपि वृद्धावस्था है लेकिन उनकी शक्ति किसी प्रकार घटी नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा संकेत दे दिया, यदि शंख जरूर बजाया भीष्मदेव ने उसको हर्षित करने के लिए, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए, लेकिन संकेत वो यही दे रहे हैं, यही दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि श्री कृष्ण जिस पक्ष में हैं उस पक्ष की विजय होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री कृष्ण शस्त्र उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। तो श्री कृष्ण यद्यपि शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन भीष्म देव जी जानते हैं है? कि श्री कृष्ण जहाँ हैं वहाँ पर विजय है। ये तो कृष्णस्तु तो विजय, जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर विजय है। तो दुर्योधन नहीं जानता, दुर्योधन सोचता है कि कृष्ण अगर युद्ध नहीं करेंगे तो कृष्ण से कोई फायदा नहीं है, कृष्ण को अपने पक्ष में रखने से कोई फायदा नहीं, कृष्ण तो बेकार हैं। लेकिन अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण को अपने पक्ष में रखने से क्या होगा, सब प्रकार की रक्षा होगी, सब प्रकार की रक्षा होगी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाल लिख रहे हैं तात्पर्य में कि दुर्योधन को संकेत कर रहे हैं भीष्मदेव कि देखो मैं जो है तुम्हारे पक्ष में जरूर हूँ, लेकिन अगर तुम अधर्म के पक्ष में हो तो तुम्हारे पक्ष में होते हुए भी तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। तो चाहे कितना भी बड़े से बड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अधर्म का पक्ष लेता है तो क्या होता है, तो वो जो है नष्ट हो जाता है। तो भीष्मदेव यद्यपि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं लेकिन भगवान की जो योजना है कि धर्म की स्थापना हो, तो उसमें भीष्मदेव भी अपने पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भीष्म जैसे शक्तिशाली लोग भी अगर अधर्म का पक्ष लेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो भीष्मदेव भगवान की इस योजना में भी सहयोग दे रहे हैं और वो भी ये दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं क्या, दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी मैंने दुर्योधन का पक्ष लिया और मेरी ये दशा है। तो इस प्रकार से भी भीष्मदेव आज के समाज के गुरु हैं कि कृष्ण से विमुख होकर के कभी भी कोई जीव सुखी नहीं हो सकता और सफल नहीं हो सकता है। तो यद्यपि भीष्मदेव श्री कृष्ण से विमुख नहीं है, वे श्री कृष्ण के ही पक्ष में हैं, लेकिन उनका हृदय श्री कृष्ण के पक्ष में है, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के शत्रु पक्ष में हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो भीष्मदेव किसी प्रकार की कसर नहीं रखें, अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। यहाँ भीष्मदेव ये कह रहे हैं कि दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा, जितनी मेरी शक्ति में लगाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें विजय का आश्वासन नहीं दे सकता। तो भीष्मदेव ये
संकेत कर रहे हैं संघ ध्वनि के द्वारा कि विजय की कोई बात नहीं है, विजय की बात मत सोचो, लेकिन तुम्हारे पक्ष में मैं हूँ। तो जब तक जो है मेरा जीवन और मेरी शक्ति है रहेगी है, तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन विजय की जो संभावना तुम सोचते हो, तो विजय की कोई संभावना नहीं है। लेकिन दुर्योधन क्या सोचता है? दुर्योधन सोचता है कि अगर भीष्मदेव अगर अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे तो उसे विजय प्राप्त हो जाएगी। तो भौतिकतावादी लोग श्री कृष्ण की शक्ति और श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति को नहीं जानते। श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति केवल इच्छा मात्र करने से ही बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। श्री कृष्ण को कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। तो यहाँ पर हमने इस श्लोक पर इतनी चर्चा की। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं किस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या हुई है। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को दुर्योधन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। चूँकि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में अत्यंत आसक्त है तथा उनमें भी अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के प्रति तो और भी अधिक आसक्त है, इसीलिए उसने प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय से प्रश्न किया था, माम काहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, अर्थात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस प्रश्न के उत्तर में संजय ने अभी तक दुर्योधन की उन बातों का वर्णन किया जो उसने द्रोणाचार्य से कहीं, परंतु हम देखते हैं कि दुर्योधन की बातों का गुरु द्रोण ने कोई उत्तर नहीं दिया। कारण यह है कि दुर्योधन उन पांडवों के प्रति ईर्ष्यालु है जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। दुर्योधन के जीवन का लक्ष्य है पांडवों को मारकर अथवा उन्हें पराजित कर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करना, तथा राज्य प्राप्त करने का लाभ है इंद्रिय तृप्ति। परंतु पांडवों के जीवन का लक्ष्य है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना, युद्ध करके राज्य प्राप्त करना तथा राज्य प्राप्त करके श्री कृष्ण की महिमा को संपूर्ण पृथ्वी में फैलाना। चूँकि द्रोणाचार्य दुर्योधन तथा पांडवों के बीच में ये जो रात और दिन का अंतर है भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन की किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। बिल्कुल सही है। तो ये 12वां श्लोक चल रहा है, 11वें श्लोक तक दुर्योधन ने जो भी बातें बोली तो द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। आगे इससे पता चलता है कि यद्यपि विवश होने के कारण द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष में तो अवश्य थे, परंतु उनका संपूर्ण हृदय पांडवों के पक्ष में था। यही स्थिति भीष्म जी की भी थी। द्रोणाचार्य तथा पितामह भीष्म दोनों ही अच्छी प्रकार से जानते थे कि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण हैं तथा जहाँ पर श्री कृष्ण हैं वहीं पर संपूर्ण धर्म है तथा संपूर्ण विजय है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण गीता का उपदेश दे चुके तो पांडवों की सेना में युधिष्ठिर महाराज अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर कौरवों की सेना में घुसे। उनकी इस चेष्टा को ना समझकर अर्जुन भीम नकुल तथा सहदेव उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की चेष्टा को समझकर उनके ऊपर प्रसन्न थे। कौरव सेना में युधिष्ठिर सर्वप्रथम भीष्म जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे युद्ध की अनुमति मांगते हैं। भीष्म जी ने उन्हें युद्ध की अनुमति दी तथा विजय का आशीर्वाद दिया और इस युद्ध में अपनी मृत्यु का संकेत भी किया। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के पास भी जाकर उसी प्रकार की चेष्टा करते हैं जो उन्होंने भीष्म जी के पास जाकर की थी। द्रोणाचार्य भी उसी प्रकार विजय का आशीर्वाद देते हैं तथा अपनी मृत्यु का रहस्य बतला देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रोण तथा भीष्म ये दोनों महापुरुष दुर्योधन की बातों से ना तो प्रसन्न ही हुए और ना ही उन दोनों ने दुर्योधन की बातों का कोई उत्तर ही दिया। दुर्योधन जिस प्रकार युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के सहारे विजय की आशा करता है, उस प्रकार की आशा व्यर्थ है। गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना,
अर्थात जिन लोगों का स्वभाव राक्षसों जैसा या असुरों जैसा या मूर्खों जैसा होता है, वे श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं तथा उनका ज्ञान व्यर्थ है। भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों महापुरुष समझते हैं कि दुर्योधन जो विजय की आशा कर रहा है वह व्यर्थ है, वह जो भी कर्म कर रहा है वह व्यर्थ है तथा उसने अभी अभी जो भी ज्ञान की अथवा समझदारी की बातें कही हैं वे सभी व्यर्थ हैं। इसीलिए द्रोणाचार्य तथा भीष्म जी ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। इस घटना से अवश्य ही दुर्योधन के मन में शोक उत्पन्न हुआ होगा, इसीलिए इस श्लोक में संजय ने कहा है कि भीष्म जी ने दुर्योधन के शोक से भरे हुए मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। तो यहाँ पर ये समझना है, श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है इसमें ये बताया गया है कि दुर्योधन अपने मन में बड़ा निराश हुआ क्योंकि द्रोणाचार्य से बात कर रहा था तो द्रोणाचार्य ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भीष्म जी के बारे में भी बोला तो भीष्म जी को प्रसन्न करने के लिए उसने फिर ये बोला अपने सैनिकों को कि सब लोग भीष्म जी की रक्षा करो। तो भीष्म जी ने सोचा कि ये बेचारा बड़ा निराश है क्योंकि द्रोण ने भी कोई उत्तर नहीं दिया इसकी बात का, तो मैं भी इसकी बात का उत्तर तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन हाँ इसको हर्ष उत्पन्न करने के लिए एक काम तो ये जरूर कर देता हूँ, क्या कि मैं शंख बजा देता हूँ। तो भीष्म जी ने इस प्रकार से दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया। तो यहाँ पर बताया गया है सिंहनादम विनद्योच, कि सिंहनाद जो है वो उन्होंने पहले सिंह ऐसी गर्जना की, तो भीष्म जी की गर्जना में भी जो है सिंह जैसी आवाज़ है। तो शेर की गर्जना जैसे ही सुनते हैं जो पशु लोग होते हैं, जंगल के पशु होते हैं, तो शेर की गर्जना जैसे सुनते हैं तो सब पशु भागते हैं और बहुत भयभीत हो जाते हैं। शेर की गर्जना ही एक ऐसी गर्जना है जंगल में जो सभी पशु भयभीत होते हैं, इसलिए सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। उसी प्रकार से भीष्म जी इस सेना में पांडवों की सेना के लिए शेर के समान है और भीष्म जी वास्तव में जब युद्ध करते थे तो अर्जुन के सिवा और कोई उनका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अर्जुन अगर भीष्म जी के प्रति आदर की भावना होने के कारण अगर युद्ध ना करें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ऐसी घटना दो बार हुई, महाभारत के जो 18 दिन हुए उनमें से 10 दिन तक तो भीष्म जी ने युद्ध किया, तो 10 दिनों में दो बार ऐसी घटना हुई कि भीष्म जी अपना पराक्रम दिखा रहे हैं पांडवों की सेना के ऊपर और पांडव सैनिक ऐसे भाग रहे हैं जैसे कसाई से भयभीत होकर के गाय भागे और भीष्म जी जो है चुन चुन करके मार रहे हैं, योद्धाओं को मार रहे हैं और उनका वध कर रहे हैं। अर्जुन की जो भावना है भीष्म जी के प्रति बड़ी आदर की है और बहुत शिष्टाचार का जो है भाव है, तो भीष्म जी से उनका जो है युद्ध करने का उत्साह नहीं। तो श्री कृष्ण स्वयं सोचते हैं कि अर्जुन तो भीष्म जी के प्रति आदर की भावना रख करके युद्ध नहीं करना चाहते हैं और पांडवों की सेना ऐसे भाग रही है जैसे कसाई को देख करके गाय भागे, तो अब मुझको ही कार्य करना पड़ेगा कि मैं स्वयं ही भीष्म का वध करूं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भीष्म का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भीष्म जी इतने महान हैं कि अगर वो देखते हैं कि कृष्ण स्वयं भीष्म जी का वध करने के लिए आ रहे हैं तो भीष्म जी और जल्दी जल्दी कृष्ण के ऊपर भी बाण छोड़ते हैं और और कृष्ण को बुलाते हैं कि आप जल्दी आइए मुझे गिराइए। तो भीष्म जी ने एक श्लोक भी बोला महाभारत में, ये भीष्म पर्व के अंदर एक श्लोक आता है
ये देवेश जगन्निवास है। नमोस्तुते माधव चक्रपाणे प्रसह्य माम पाताय लोकनाथ है रथोत्तमात् सर्वशरण्य संखे। तो इसमें भीष्म जी क्या कहते हैं कि हे देवताओं के ईश्वर, हे जगत, संपूर्ण जगत में निवास करने वाले, आइए आइए। तो भगवान जो है कुपित हैं और भीष्म जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान जो है इतने महान भक्त हैं, भीष्म जी कृष्ण के इतने महान भक्त हैं कि जब कृष्ण रुष्ट होते हैं भीष्म जी से, तो भीष्म जी अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर जो है क्रोध करके और मुझे गिराएंगे, मेरा वध करेंगे, तो अपना जो है बड़ा सौभाग्य मानते हैं। तो ये भीष्म जी की महानता है। तो यहाँ पर भीष्म जी को इस बात का कोई शोक नहीं है कि वो मारे जाएंगे। शरीर छोड़ना उनके लिए एक सामान्य बात है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है। तो भीष्म जी पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी हैं और अपने शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। तो अपने शरीर को छोड़ने के संबंध में उनका जो है निश्चित विचार है, कि शरीर को छोड़ना एक सामान्य बात है, तो सामान्य व्यक्ति अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। जब वो देहात्म बुद्धि में होता है, अपने शरीर की पहचान में होता है और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होता है, तो अपना शरीर वो जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी अगर मांगे तो भी अपना शरीर वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन भीष्म जी जैसे महान भक्त हैं तो वे अपने शरीर को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें एक खेल जैसा लगता है, शरीर को छोड़ना एक खेल जैसा है। और भीष्म जी ने शरीर फिर भी नहीं छोड़ा जब तक कि उत्तरायण का महीना नहीं आ गया। तो भीष्म जी के शरीर में इतने बाण आर पार हो चुके थे कि एक अंगुल की भी जगह नहीं थी जहाँ बाण आर पार ना हो, लेकिन भीष्म जी ने शरीर नहीं छोड़ा। ये और बहुत बड़ी ये बात है कि भीष्म जी ने शरीर नहीं छोड़ा जब तक कि उत्तरायण का समय नहीं आ गया। तो भीष्म जी के संबंध में जितना कहा जाए उतना ही कम है। वे यहाँ पर संजय पितामह कह रहे हैं, कुरु वृद्ध कह रहे हैं और प्रतापवान कह रहे हैं। तो भीष्म जी का ऐसा महात्म्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।